सो हे ऑल, वेलकम बैक टू अगेन माई चैनल। होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और हम एकदम मस्त है दोस्तों। तो आज है बिखोती, तो हमारे यहाँ बिखोती के दिन न्याजा लगाते हैं। मतलब न्याजा किसको बोलते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। एक लंबी सी लकड़ी लाते हैं, मतलब जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, फिर उसके ऊपर उसको चुन्नी वुन्नी बांधते हैं, डेकोरेट करते हैं उसको, फिर लगाते हैं उसको, फिर वहाँ पर पूजा होती है। और हाँ, जो हमने स्टार्ट किया था फूल देई का, मतलब चौखटों में जो फूल डालते हैं, आज उसका लास्ट डे है, तो इसलिए आज के दिन न्याजा घेरते हैं। तो वहाँ पे न्याजा लग चुका है मंडार में हमारे यहाँ, और पूजा करते हैं। जो हम कंडी लेके जाते थे, फूल लाते थे जिसमें रख के, पहले उसकी पूजा होती है सब कुछ, फिर मंदिर में जाते हैं, फिर फूल वूल डालते हैं, फिर घर में आके सब वही सब होता है। तो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर न्याजा घेरा गया है। आज है 14 अप्रैल, तो लास्ट डे है हमारे यहाँ फूल दही का, तो मैं आपको भी दिखा दूंगी। हमारा तो खैर है नहीं, हमारा भी होता, बट मैंने आपको बताया था कि हमारा किस वजह से सब फेस्टिवल ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म नहीं हुए, मतलब करेंगे नहीं हम लोग। तो अभी मैं थोड़ी देर में बस जा रही हूँ मंडार में। पहले मैं रेडी हो गई थी, और फिर मैंने काम वाम करा था सारा, फिर मैं अब रेडी हो गई और अब मैं जाऊँगी मंडार में। तो न्याजा लग चुका है और बाकी सब लोग वहाँ आ चुके हैं। जो जो कर होती है पूजा वूजा वो स्टार्ट हो गई है, तो मैं अभी जाऊँगी थोड़ी देर में। हमारे यहाँ तो बिखोत इस तरीके से मनाते हैं दोस्तों, तो आप भी कमेंट करके बताना कि आप क्या बिखोत किस तरीके से करते हैं। तो आज 14 अप्रैल है, और उसके बाद 17 और 18 को हमारे यहाँ मंडार होगा फिर। और फिलहाल उस दिन शायद हमारे यहाँ से न्याजा को ना निकाल के वहाँ ले जाएंगे, मंदिर में रख देते हैं फिर उसको निकाल के। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी व्लॉग में आगे आगे। और फिलहाल तो अब हमारे यहाँ फिर 22 को होगा दोबारा मंडार, फिर 23 को हमारे यहाँ डांड हॉल बोलते हैं, डांड का मेला वो है। तो आप सभी इनवाइटेड हो मंडार में, जिसको आना हो तो आ जाना। 17 मैंने आपको डेट बता दिया, 17 18 दो दिन मंडार है, और फिर 22 तारीख को मंडार है रात में, पूरी रात लगता है वो, तो आप लोग आ जाना देखने के लिए। और हम पूरा डांड तक ढोल डमा में नाचते 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 जाते हैं ऊपर तक, बड़ा मज़ा आता है। मैं आई थी 3 4 4 5 दो साल, तो खैर जब से कोविड आया था हो नहीं रहा था, 2 साल बाद अब ये मेला हो रहा है। और इससे पहले जब मैं आई थी, लास्ट टाइम आई थी मैं, उसके मतलब 4 या 5 साल तो अब लगा लो, इतना टाइम मुझे हो गया तब से मैंने देखा नहीं था डांड का थॉल, और 2 साल हुआ नहीं था, और अब मैं देखूँगी, बड़ा मज़ा आता है उसमें। चलिए अब मैं जा रही हूँ वैसे मंडार में, और आप देखते रहना वीडियो में कि किस तरीके से वहाँ पे सारे लोग, मतलब न्याजा के ऐसे सर्कल बना के बैठे होते हैं उसकी तरफ, पूजा करते रहते हैं बड़े जो भी होते हैं वो। और रात में शायद गीत भी लगेंगे, तो मैं वो भी आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आता है देखने में मुझे तो ये सब, इसी सब के लिए तो मैं गाँव रुकी हूँ, नहीं तो मैं तो कब का चले जाती डेली। तो चलिए चलते हैं।
कंचन इधर आइए थोड़ा।
तो दोस्तों न्याजा आपने देख लिया हमारे यहाँ घेट चुके हैं, घेट नहीं होते ना, तो न्याजा हमारे यहाँ घेट चुके हैं। अब उसको निकाल लेंगे 18 तारीख को, जिस दिन मंडाना है उस दिन वो निकलेगा। उसे लेके जाते हैं नीचे मंदिर में, वहाँ रखते हैं उसको। गीत भी लग चुके थे, वो मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। हमारे यहाँ तो इस तरीके से भी खोद मनाते हैं, और हो सकता है तो कल भी गीत लगे अगर लोग आए तो, नहीं आए तो फिर कहाँ से लगेगा। पर कल तो, आज तो बहुत भीड़ थी मंडान में, कल तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी ऐसी भीड़। मज़ा आ गया, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा गीत वीत लगना। तो चलिए इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलेंगे आपको ऐसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।